गाइस, इस कहानी में हम देखने वाले हैं एक लड़के को जो कि अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को चटकाया करता था। आगे वो इस मूवी में क्या क्या करता है, तो चलते हैं हम मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम रिंगो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि खाना लेके अपनी वाइफ के लिए घर जाता है। हमें वहाँ पे पता चलता है कि रिंगो एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी बीवी वहाँ पे बोलती है कि बाबू, अब तुम कोई दूसरी जॉब देख लो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, तुम्हें पता ही होगा, इसलिए तुम कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं देख लेते। वहाँ पे रिंगो बोलता है ठीक है बाबू, मैं कल जाके कोई दूसरी जॉब सर्च कर लूंगा। वो दोनों खाना खाने के बाद अपना सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, बिस्तर पे कूद कूद के मजे लेते हैं और आनंद उठाने लग जाते हैं, आप समझ ही जाओ। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि रिंगो तैयार होकर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ पे एक औरत उसका इंटरव्यू भी लेती है और फाइनली उसको जॉब भी मिल जाती है। देख रहे हो गाइस, तभी दूसरी तरफ हमें पास्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा होता है। अपने हथियार को उसके अंदर डाल के उसकी पूरी लाली कर देता है। पास्टर की वाइफ वहाँ पे बोलती है आज बहुत ही ज्यादा हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, तुमने तो मेरी पूरी सोचा थी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जानो नीचे ही चलते है ना। वो दोनों तैयार होकर सीधा नीचे ही आ जाते हैं। पास्टर नीचे आके अपने सभी मेहमानों से मिलता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि पास्टर एक बहुत बड़े चर्च का मालिक है जहाँ पे काफी लोग उसे दान करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। पास्टर सभी मेहमानों से मिलके सीधा अपने पापा जी के पास जाता है। उसका पापा अपनी नौकरानी से मजे ले रहा होता है, यानी कि उसको बचा रहा होता है, लेकिन जैसे ही पास्टर वहाँ पे पहुँचता है वो अपना काम ही बंद कर देता है। पास्टर उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उससे पहले उस चर्च के फादर उसके पापा ही थे। उसके पापा ने ही उस चर्च को बनाया था, लोगों से दान ले लेके बहुत ही ज्यादा अमीर भी बन गए थे, इसलिए पास्टर अपने पापा को कुछ भी नहीं बोल सकता था। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पास्टर अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके पापा हर चीज में उसकी रोक टोक करते थे, क्योंकि पास्टर हमेशा लड़की बाजी करता था, उनको ठोकता था और बजाता था। उसके पापा ये सब नहीं चाहते थे, उसके पापा चाहते थे कि ये लड़की बाजी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ चर्च के काम में ध्यान दे और लोगों से काफी पैसे दान में ले और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, इसलिए उसके पापा उसके हर काम में रोक टोक किया करते थे कि दुनिया को उनकी सच्चाई ना पता लग जाए कि वो दुनिया का पागल बना रहे हैं। लेकिन पास्टर अपने पिताजी की बात को मानता ही नहीं है, वो बोलता है कि पिताजी ये सारी दौलत मेरी है, आप बीच में मत बोलिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चला ही जाता है। उसके अगले दिन हम एक समायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक आदमी की गाड़ी ठोक देती है। जिसकी गाड़ी वो ठोकती है वो आदमी उसको गाली देने लग जाता है, लेकिन एंड टाइम पे वहाँ पे रिंगो आके उस आदमी को मारने लग जाता है और बोलता है कि लड़की को गाली क्यों दे रहा है यार। तभी समायरा के बॉडीगार्ड आकर उस आदमी को पैसे देके वहाँ से भगाई देते हैं। समायरा रिंगो को देखकर हैप्पी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके दूसरे दिन रिंगो जब सामान डिलीवर करने जाता है वो किसी और का घर नहीं, वो समायरा का घर होता है जिसने उस आदमी की गाड़ी को ठोका था। वो समायरा को देख के वहाँ पे काफी खुश होता है और सामान दे देता है। तभी समायरा उसको टिप में काफी सारे पैसे देती है। रिंगो वहाँ पे बोलता है मैडम जी इतने सारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। वो वहाँ पे बोलती है कि रख लो, कल तुमने उस आदमी को मेरे लिए मारा था ना जब वो मुझे गाली दे रहा था। रिंगो ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सारे पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। उसी रात पास्टर समायरा के घर आता है। यहाँ पे हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है गाइस, समायरा पास्टर की दूसरी वाइफ थी। पास्टर ने समायरा को एक बहुत ही बड़ा घर दे रखा था, बॉडीगार्ड दे रखे थे और काफी सारे पैसे भी दे रखे थे और अपनी वाइफ से छुपाकर इसको यहाँ पे रख रखा था। उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि उसकी दूसरी वाइफ भी है और वो उसके घर जाकर उससे मजे भी लेता है। वो उसका बहुत ही बड़ा दीवाना था क्योंकि समायरा बहुत ही सुंदर लड़की थी और एक बहुत ही अच्छी मॉडल थी। उसने उसको उस घर के अंदर बंद कर रखा था अपने मजे के लिए। वो बस रोज डेली उसके पास जाता था और उससे मजे लेता था और अभी भी ये आकर उसको बेड पे पटक कर उसके अंदर पानी डालना स्टार्ट कर देता है। इतने गोचे मारता है कि गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं। पास्टर उसकी मार मार के बुरी हालत करके वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन हम फिर देखते हैं कि रिंगो दोबारा समायरा के घर पे
कोरियर देने जाता है। वो वहाँ पे बोलती है, तुम कहीं स्टोकर तो नहीं, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो, रोज डेली तुम मेरा ऑर्डर लेकर आ जाते हो। वो वहाँ पे बोलता है, मुझे तो पता नहीं, कंपनी वालों ने जो ऑर्डर मुझे दिया है वही तो देने आया हूँ मैं यहाँ पे। तभी समायरा बोलती है कि कोई बात नहीं। वो बोलती है कि मेरे वॉशरूम का पाइप खराब हो गया है, प्लम्बर को आने में 3 घंटे लगेंगे, अगर तुम थोड़ी मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर दो ना। वो वहाँ पे बोलता है ठीक है, और रिंगो उसके वॉशरूम में जाकर उसका पाइप भी ठीक कर देता है। पाइप ठीक करने की वजह से वो पूरा वहाँ पे गीला हो जाता है। समायरा रिंगो को बोलती है कि तुम काफी ज्यादा गीले हो चुके हो, जब तक तुम्हारे कपड़े सूख नहीं जाते तुम यहीं पे रुक सकते हो। और समायरा अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। रिंगो समायरा को कपड़े चेंज करता हुआ देख लेता है और उसको देख के काफी ज्यादा मदहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रिंगो अपने घर जाने लगता है तो समायरा के बॉडीगार्ड रिंगो को उसके घर पे देख लेते हैं और ये सारी बात जाके पास्टर को बता देते हैं। पास्टर को वहाँ पे काफी तेज गुस्सा आता है और वो सीधा समायरा के घर पे आकर उसको मारने लग जाता है कि तुमने एक लड़की को घर के अंदर कैसे आने दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि समायरा को कोई हाथ लगाए और कोई गैर मर्द उसके घर के अंदर आए। वो उसको काफी तेज मारने लग जाता है और मार मार कर उसको खत्म ही कर देता है और वहाँ से निकल के सीधा अपने घर आ जाता है। रिंगो पास्टर को वहाँ से निकलता हुआ देख लेता है। जैसे ही पास्टर वहाँ से चला जाता है, रिंगो सीधा समायरा के घर के अंदर एंटर कर देता है। वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा शांति है, लेकिन तभी उसकी नजर समायरा पे जाती है जो कि वहाँ पे बिल्कुल मरी पड़ी होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक शॉकिंग चीज पता लगती है कि समायरा मरी नहीं थी, वो तो जिंदा थी। रिंगो उसे उठा के सीधा बेड पे लिटा देता है और उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके अगले सुबह उसको होश भी आ जाता है। रिंगो वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें किसने मारा था। समायरा वहाँ पे बताती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने मारा था, उसे मुझ पे शक हो गया था कि कल तुम हमारे घर पे आए थे तो हम दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा। उसने मुझे यहाँ पे कैदी बनाकर रखा हुआ है, मेरी माँ ने कुछ पैसों के लिए उसको बेच दिया था, तब से ही मैं यहाँ पर बहुत बुरी जिंदगी जी रही हूँ। सिर्फ वो यहाँ पे मेरे साथ मजे लेने आता और मुझे पेल पेल के यहाँ से चला जाता है। रिंगो ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे चुप कराने लग जाता है। चुप कराते कराते रिंगो सीधा समायरा के ऊपर ही चढ़ जाता है। वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से लिपटा झिपटी स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है, यानी कि पेलम कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। रिंगो और वो दोनों वहाँ पे शांति से लेट जाते हैं। समायरा वहाँ पे बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे अभी ये वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। रिंगो वहाँ पे बोलता है बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो दोनों वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उसके अगले दिन वो दोनों शहर छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पास्टर की वाइफ अपने बेटे के पास ही जाकर अपनी आग बुझाने लग जाती है, उसके साथ वही सब काम स्टार्ट कर देती है, खुद को पिलवाने लग जाती है। वहाँ पे उसके बेटे का जल्दी काम तमाम हो जाता है। वो वहाँ पे बोलती है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो, पूरा काम कर ही नहीं पाते हो। उसको वहाँ पे काफी तेज गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से सीधा घर पे आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है वो वहाँ पे आके शॉक हो जाती है क्योंकि पास्टर ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने समायरा को जान से खत्म कर दिया है, इसलिए पास्टर डिप्रेशन में आके खुद को फांसी लगा ली। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उसके मरने से उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ रिंगो और समायरा शहर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी वो दोनों रास्ते में रुक के एक नदी के अंदर नहाने लग जाते हैं और नहाते ही नहाते वो दोनों गर्म हो जाते हैं और नदी के अंदर ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लगातार जमकर करने लग जाते हैं। जैसे ही उन दोनों का कार्यक्रम खत्म होता है वो दोनों वहाँ पे बात करने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से समायरा के सर पे किसी का वार होता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो समायरा खुद को कैद पाती है और उसके सामने रिंगो खड़ा होता है एक औरत के साथ। वो औरत और कोई नहीं, पास्टर की माँ होती है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जिस औरत ने रिंगो को जॉब दी थी ये वही औरत थी और ये सब उनका प्लान था सबको मारने का। और फाइनली वहाँ पे रिंगो समायरा को मार देता है। पास्टर की माँ
बिंगो को एक शॉकिंग चीज बताती है कि तुम्हारी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने तुम्हारी माँ के साथ गलत काम किया, उसको अच्छी तरीके से चटका दिया, जिसका नतीजा तुम हो। तुम उससे पैदा हुए थे। पास्टर मेरा बेटा तो मर चुका है, तो तुम भी तो उस घर के हिस्सेदार हुए ना। लेकिन उससे पहले हमें उस बुड्ढे को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हें उस घर का हिस्सेदार नहीं बनने देगा। तो फाइनली वो दोनों तैयार होकर जाके उस बुड्ढे को मार ही देते हैं, यानी कि काम तमाम कर ही देते हैं उस बुड्ढे का। जैसे ही बुड्ढे का काम तमाम होता है, पास्टर की माँ रिंगो को पीछे से आवाज देती है। जैसे ही रिंगो पीछे देखता है, पास्टर की माँ रिंगो को गोली मार देती है। रिंगो के हाथ में भी बंदूक थी, वो भी पास्टर की माँ को गोली मार देता है। दोनों ही एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। पास्टर की माँ चाहती थी कि मैं रिंगो को मार के सारी दौलत अपने नाम कर लूं, और रिंगो भी यही चाहता था कि मैं सबको मार के सारी दौलत अपने नाम कर लूं। देख रहे हो गाइस, दौलत के चक्कर में सबको मार गिराया और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।